Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Shafiq Rehman and I'm representing Bright Weather Solutions Private Limited. आज जिस सिस्टम की मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगा ये भी ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग सिस्टम है. मीन्स यहाँ पे हमने बैटरी जो इंस्टॉल नहीं की और इसका फ़ायदा ये है कि सिस्टम की लाइफ बहुत ज़्यादा है इसके कंपेयर जो हाइब्रिड सिस्टम्स हैं, बिकॉज उसमें कुछ इश्यूज़ आते हैं जिसमें आप कह सकते हैं बैटरीज़ की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है और प्लस जो ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है. और दूसरा जो इन्वर्टर है उसकी जो वारंटी और जो टाइम कह लें कि जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हाइब्रिड सिस्टम्स हैं. तो इसी वजह से हम लोग मोस्टली जो सिस्टम्स इंस्टॉल कर रहे हैं इस कॉलोनी में भी, जो फ़ज़ाइया कॉलोनी जिस जगह पर अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे फिफ्थ कंजेक्टिव सिस्टम है जो हम इंस्टॉल करें. इससे पहले भी हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सिस्टम्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकें आफ्टर हैविंग अ फीडबैक. ए वंस अगेन वी आर अगेन हेयर. और आज हम जो सिस्टम है यहाँ पे नेट मीटरिंग बाय डायरेक्शनल मीटर इंस्टॉल हो चुका है और कस्टमर के जो बिल्स हैं वो ऑलरेडी नेगेटिव में है. -4500 लेटेस्ट बिल आया है. तो इट मीन्स कि इस सिस्टम का सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके जो बिल्स हैं, आजकल सबसे बड़ा एक जो इशू है महंगाई में इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. तो इस सिस्टम के बाद आपको बिल्स के पे करने की ज़रूरत नहीं है. अगर जो आप बिल कफायतशारी से बिजली इस्तेमाल करते हैं तो फॉर एवर आप कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट जो लाइफ है सिस्टम की वो 25 ईयर्स है, इवन मोर देन दैट. तो इट मीन्स आप यू विल नॉट बी पेइंग बिल्स. और इसी तरह जो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं मींस पैनल्स की, तो जो हमने यहाँ पे पैनल इंस्टॉल किए वो टोटल नंबर ऑफ पैनल्स 19 पैनल्स हैं. लॉन्जी के लेटेस्ट मोनोपर्क हाफ कट सेल्स यूज़ किए गए हैं. यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो हमने 7 बायोफिशियल पैनल्स भी इंस्टॉल किए हैं 7 वाली बिल्डिंग पे. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द फर्स्ट वन हु ब्रॉट दिस टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान. हम सबसे पहली कंपनी है जिन्होंने बायोफिशियल लॉन्जी के पैनल्स इम्पोर्ट किए. ये चीज़ आप लॉन्जी की ऑफिशियली वेबसाइट से भी देख सकते हैं. लेकिन अब इस नतीजे पे हम पहुँचे हैं काफ़ी रिसर्च के बाद कि रूफ टॉप पे बायोफिशियल पैनल का इतना बेनिफिट नहीं है जो एक्चुअली इसका पर्पस है. जैसे मैंने बताया पहले वीडियोस में कि अगर इसको आप इंस्टॉल करते हैं रिवर्स पे या पॉन्ड्स पे या ऐसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पे तो फिर तो इसका बेनिफिट है. अगर आप इस स्ट्रक्चर के साथ लगाते हैं जिसको आप L2 या L3 बोलते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के साथ, फिर तो बायोफिशियल का फ़ायदा हरगिज़ नहीं है. रीज़न ये है कि अब बायोफिशियल अगर जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे लगाते हैं तो समहाउ आपको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है. लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बायोफिशियल के जो थोड़े से नुकसान के बारे में बताऊंगा. क्योंकि बायोफिशियल डबल ग्लास होता है, बैक साइड पे ग्लास होता है तो हीट ज़्यादा डिसिपेट होती है. याद रखिएगा जब हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होती है तो आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है. बिकॉज नॉर्मली पैनल के पीछे ईवा शीट होती है और जो बायोफिशियल पैनल के पीछे जो है वो ग्लास होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. तो अल्टीमेटली गर्मियों में आपकी जो ग्राफ है वो डिक्लाइन हो सकता है. इसी तरह दूसरा एक इसका ड्रॉबैक ये भी है बायोफिशियल पैनल का कि इसका जो वेट है नॉर्मल पैनल से ज़्यादा है. और तो इसमें मीन्स एक तो आपके जो छत पे जो वेट है वो ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मॉड्यूल से. इन एनी केस अगर जो आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर जाते हैं तो समहाउ वी कैन रिकमेंड यू कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं बायोफिशियल, बट स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे बायोफिशियल पैनल्स का इतना बेनिफिट नहीं है. आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मीन्स वी मस्ट शेयर विद योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स एज वेल. खैर कम टू द पॉइंट, यहाँ पे जो हमने इंस्टॉलेशन की वो 10 kW नेट मीटरिंग सिस्टम की है. पैनल्स 535 लॉन्जी के यूज़ किए गए हैं. टोटल नंबर ऑफ पैनल्स 19 है. जो स्ट्रक्चर यूज़ किया हमने वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यूज़ किया, L3 और L2 के कम्बिनेशन का यूज़ किया. इन्वर्टर स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रोवॉर्ड का 15 kW RT प्रीमियम सीरीज इंस्टॉल की गई है. रीज़न ये थी कि 10 kW पे 15 kW इन्वर्टर लगाने का, कि फ्यूचर में जो जवाद साहब हैं उनका प्लान है कि ही वांट्स टू इंक्रीज द सिस्टम, तो इस वजह से हमने इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा लगाई है. अब बात कर लेते हैं कि 10 kW से ऑन एवरेज आपको प्रोडक्शन कितनी मिल सकती है. तो जो नॉर्मल समर में है आपको ऑलमोस्ट ये 55 यूनिट्स तक पर डे देख सकते हैं. तो इट मीन्स 1300 से 1400 आप अच्छे, जैसे हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया सिस्टम से, आप प्रोडक्शन कर सकते हैं. अब इसी तरह हम यहाँ पर सेफ्टी पैरामीटर्स की बात कर लें तो हमने सारे लाइटिंग अरेस्टर जो बिजली आसमानी बिजली के लिए लगाया जाता है उसको सेपरेट इंस्टॉल किया और सेपरेट ही अर्थ किया. इसी तरह स्ट्रक्चर को SPDs को हमने सेपरेट अर्थ किया. DC और AC जो है उसको हमने सेपरेट अर्थ किया है, जो कि हमने यहाँ पर सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ किए हैं. AC SPD DC SPDs लगाई हैं. और यहाँ पर भी हमने ब्राइट ब्रदर्स के सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का कस्टमाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है विद जो जिसमें आपको वोल्टेज और एम्पेयर होते हैं वो भी यहाँ पर हमने इंस्टॉल
हल किया है। अब इस सिस्टम की हम जो अगर जो बात कर लें ओवरऑल आरओआई की, कितनी आप अरसे में आप इस सिस्टम से जो इसकी रिटर्न है वो वापस लेते हैं, ऑलमोस्ट आप 4 ईयर्स में आप इसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस सिस्टम से ले सकते हैं। अब सबसे जो ज़रूरी सवाल है कि ऑलमोस्ट आप 10 किलोवाट पे कितनी कॉस्ट है, अब इस सिस्टम की जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट 13 लाख के करीब आ रही है विद 15 किलोवाट आरटी प्रीमियम इन्वर्टर जो है इसमें सनग्रो के साथ, और जिसमें सारी चीज़ें शामिल हैं बायोडायरेक्शनल मीटर वगैरह रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर आप लोग भी एक अच्छी कंपनी को मुंतखब करना चाहते हैं और एक रिलायबल सोल्यूशन मींस और बिजली की बिल्स की वजह से आप अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, तो नीचे के दिए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और अपना ऑर्डर जो की जो है बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारा चैनल जो है यूट्यूब पे ब्राइट ब्रदर्स के नाम से वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपसे ऐसी वीडियोस और सोलर से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सके। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिए।